जय हिंद। ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं, असम राइफल नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड टेस्ट में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, मैं इसके बारे में आपको वीडियो डाल दिया था और रिटर्न एग्ज़ाम में क्या होता है तो उसके बारे में उसमें बताया था। आप थंबनेल देख लीजिए, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में आपका बात होने जा रहा है कि असम राइफल का जो है कि क्वेश्चन पेपर में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यह जो ट्रेड टेस्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे भी आप याद कर लीजिएगा, उसे भी, क्योंकि कि जो क्वेश्चन रिटर्न में आता है वही इसमें भी आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें का क्वेश्चन उसमें आ सकता है रिटर्न में, और रिटर्न का ट्रेड टेस्ट में, यानी कि आपका जब नर्सिंग असिस्टेंट के तो कॉमन है। तो आप इसे अच्छे तरीके से, इस वीडियो को मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल चलते हैं कि नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि एग्ज़ाम का रिटर्न टेस्ट आपका कैसे होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आपको मैं पहले ही बता दूँ, यह जो सारे क्वेश्चंस है आप इसे फाइनल क्वेश्चन मत मान के बैठ जाइएगा कि यही पूरा फाइनल है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरा क्वेश्चंस इसमें नहीं करवा पाऊँगा। मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ, एक ढांचा दे रहा हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। इसी टाइप से के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका कमेंट आया था कि सर और थोड़ा क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो यही मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ, काफ़ी रिसर्च करके। या पिछले बार आपका किसी भर्ती में या नर्सिंग असिस्टेंट के भर्ती में आया हुआ आपका प्रश्न है। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि ये देखिए, असम राइफल में लिख दें नर्सिंग असिस्टेंट, या पीडीएफ में आपको कहाँ पे टेलीग्राम चैनल में नेशनल कोब्रा कैडेट्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन पे कि हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी शरीर में कितने स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहीं पे आपको आंसर मिलेगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो 31 हो गए, आप इसे कॉपी पर लिख लीजिए, पहले का भी जब आप डाउनलोड करिएगा तो इसको अपना मार्क कर लीजिएगा जो भी करना होगा। पोलन ट्यूब वॉज डिस्कवर्ड बाई, पोलन ट्यूब किसने डिस्कवर किया था। मैं चार ऑप्शन नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट मैं आपको आंसर दे दिया हूँ। तो आपका आंसर में क्या आप पूछ देगा, क्या दे देगा डायरेक्ट ऑप्शन में कि एमिकी सिर्फ दे देगा, पूरा नाम नहीं देगा। तो पूरा नाम आपको याद करना है तो पूरा नाम ही याद कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ यही याद कर लीजिए, जी डॉट बी एमिकी दे सकता है, नहीं तो सिर्फ एमिकी देगा, वैसे एमिकी ही देता है। तो यही आया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, जो ह्यूमन ब्रेन का आउटर कवर होता है क्या है, ड्यूरा मीटर। वैसे मैं क्वेश्चन भी नहीं कराने वाला था, वो आपका आएगा कि ड्यूरा मैटर, तो आपका आएगा कि क्वेश्चन भी करवा दो, क्वेश्चन भी आंसर भी बता दो, क्वेश्चन सिर्फ बताते हो, काफ़ी लोग कमेंट करने लगते हैं। तो इसलिए मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा देखूँ कितना हो पा रहा है, कवर करा दूँ। फेमस अंगोरा ऊल इज ऑप्टेन फ्रॉम, ये जो फेमस अंगोरा ऊल क्या होता है, अंगोरा ऊल आपका एक टाइप का बहुत ही गर्म ऊल होता है, यह कश्मीरी सिप से भी निकाला जाता है इस टाइप का, जो कि बहुत गर्म होता है। और यह इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको देना है कि कहाँ से ऑप्टेंड होता है। तो एक आपका अंगोरा रैबिट होता है, तो वहाँ से पूरा नहीं दिया है अंगोरा रैबिट, क्योंकि आपको पता चल जाएगा रैबिट है तो रैबिट से निकाल लेंगे। तो आपका यह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका, यह वाला आपका सही हो जाएगा। और इसमें क्या था, ड्यूरा मैटर आपका होगा यह वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि 31 पेयर, यह आपको नोट करते चलिए साथ में, ठीक है, नहीं तो फिर आप बाद में बोलोगे कि नहीं हो पाया। अब इज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का कौन सा इसमें मेथड है, एचटीएफ। अब एचटीएफ क्या होता है, ये तो आईयूडी, जीएएफ गिफ्ट, आईवीएफ, कौन सा इसमें से है। अब ये देखिए, आईवीएफ और जीआईएफटी गिफ्ट, ये दोनों तो एक ही है। और मैं आपको यहाँ पे यह बताना चाहता हूँ, यह जो आपका किस लेवल का क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का, ये सब आपका क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको हाई फाई ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं जाते हैं, क्लास 10th 11th पे भी जैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे डीएनए के बेसिस पे, तो डीएनए वाला जो होता है थोड़ा हाई लेवल पे चला जाता है, थोड़ा सा वो जो है आपको एक दो प्रश्न मिलेंगे, इसलिए मैं उसको नहीं डाला हूँ यहाँ पर। अगर आप वैसे क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम वैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। अब जैसे आई इज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो ये दोनों देखिए हो गए, सी ओ डी, आई यू डी क्या होता है, इंट्रायूट्रिन डिवाइस होता है, और आई इंट्रायूट्रिन डिवाइस आपका यही वाला आंसर सही होता है। ये जो है ना टी साइज का, एक
टी शेप का इंसर्ट किया जाता है, जिसके वजह से बर्थ कंट्रोल का जो फ्यूज़न होता है वो नहीं हो पाता है, यहीं पे रुक जाता है, कॉपर का होता है, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। और एसटीएफ क्या है, एसटीएफ आपका एकदम अलग है, हिपैटिक टिश्यू ब्लड फ्लो, यह है हिपैटिक टिश्यू ब्लड फ्लो है। दूसरा है गिफ्ट जो है GIFT, आप जी गिफ्ट को पढ़े होंगे अपने क्लास 10-12 के चैप्टर में कि यह क्या होता है, कि यह इसका IVF का एडवांस है। IVF क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एडवांस है। क्या है यह गिफ्ट का, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यह है गैमिट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चलिए ये IUD में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। कॉमन कोल्ड जो जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड किस टाइप का बीमारी है आपका, कॉन्जेनाइटल डिजीज, एक्यूट क्रॉनिक जेनेटिक, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से आप बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एक्यूट डिजीज़ होता है, एक्यूट डिजीज़ होता है क्रॉनिक डिजीज़, फॉर एक्यूट डिजीज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम और क्रॉनिक डिजीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि कफ हो गया तो एक्यूट हो गया, टीबी जो है कि आपका क्रॉनिक में आ जाएगा, एड्स क्रॉनिक में आ जाएगा, एग्जांपल ऑफ यह हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, कफ हो गया और कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब आपके एक्यूट डिजीज़ में आ जाएंगे। एक्यूट डिजीज़ का थोड़ा सा बता दिया। प्लांट विच पॉजेस सीड बट नो, पौधे जिसमें सीड लगते हैं लेकिन फ्रूट नहीं, वैसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं। तो आप इसमें देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में अब फॉल्स फ्रूट कौन सा होता है, पपैया किस कैटेगरी में आता है, बनाना किस कैटेगरी में आता है, एप्पल को क्या बोलते हैं, लिख देगा फॉल्स फ्रूट कौन सा हो गया, एप्पल हो गया, कौन सा हो गया। तो इन सब को आप यहाँ से अब जान जाइएगा कि कैसा कैसा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। तो इसमें मतलब कि आप थोड़ा अपने डिटेल में जा करके देख लीजिएगा। इसमें आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जॉन्डिस इज द डिजीज़ ऑफ, यह किस चीज़ का डिजीज़ है, जॉन्डिस लीवर किडनी हार्ट बोन। तो आपको पता है इसमें क्या होता है कि आपके आँख में भी पीलापन हो जाता है, और ये क्यों होता है, कैसे होता है, लीवर की वजह से होता है। यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू विच ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल जो सभी को, सर्वदाता जो सभी को ब्लड दे सकता है, खून को रक्त दे सकता है, वो कौन सा है आपका, ओ है, बी है, ए बी है, ए है। तो यहाँ पे आपको पता है ओ है, और क्योंकि क्यों है ओ, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। और कौन है कि जो सबका ब्लड ले लेता है, ये आप खुद बताइएगा। द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज, जो कॉमन एक सामान्य मेथड है रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग, कंजुगेशन, इन सब में से कौन सा आपका ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे आपका आंसर मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, इसका आंसर पता चला, इसमें का जो है कि यूनिवर्सल डोनर हो गया। अब कौन सा होगा आपका, आप लोग उसी तरीके से रजाओ, तो ए भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू, कौन सा इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट टिश्यू। अब ये जो हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, बताइएगा, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, अभी जस्ट मैं बोल दिया हूँ, फाइब्रस कार्टिलेज, हेलाइन, टेंडन लिगामेंट। टेंडन लिगामेंट कहाँ पर होता है, बोन को जो ज्वाइन करता है वहाँ पे आपका यह है। इन सब के बारे में जान लीजिएगा, फीवर, ट्यूबुला, इन सब के बारे में। ओके, नी का यही सब है आपका क्वेश्चंस, आप खुद यहाँ पे मैं आपको टाइप दिखा दे रहा हूँ, आपको पढ़ना खुद से है इसी तरीके से। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टिश्यू कौन सा हो जाएगा, आप फाइब्रस कार्टिलेज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बताने लगूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर किससे बोलते हैं बायोलॉजी के, कौन है, एरिस्टोटल, ARISTOTLE, हिंदी में अरस्तु लिखा हुआ होता है। तो आप इसको यहीं से जान सकते हैं, और यूट्यूब पे आप अगर PDF मिला है टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ से आप क्लिक करके यूट्यूब पर जा के वहाँ से पूरा फुल वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाके नेशनल कोबरा कैडेट से लिख करके वहाँ पर चले जाइए। ठीक है, यही है। और बाकी आपको यह दो पेज में कितने क्वेश्चंस थे आपके, 12 क्वेश्चंस आपको मैं करा दिया, और इसको सेव करके भेजूँ कि इसी तरीके से, नहीं मैं काट के भेजता हूँ, सेव नहीं करता हूँ इसे। ठीक है, ताकि आप लोग भी आ करके इसमें वीडियो को देखें और समझें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।